दूसरी जो ग्लोबल मॉडल है अपने निसान के लाइनअप से जो शोकेस किया है यहाँ पे, वो है ये एक प्यारी सी गाड़ी है, द निसान ज्यूक। काफ़ी एक्लेम्ड गाड़ी है ये एंड वेरी वेल नोन ग्लोबली। दिस इज़ वन ऑफ देयर यू नो स्टाइलिश, एक डिफरेंट लुकिंग, एक वेरी यूनिकली डिज़ाइंड कार जिसे आप देख रहे हैं। ये भी इंडिया में आने के लिए है, लेकिन इसका जो टाइम है, जो स्पेकुलेटेड पीरियड है, वो नहीं बताया गया है कि ये कब आएगी। अगेन इसमें भी आपको एक इंटेलिजेंट हाइब्रिड वाला जो सिस्टम है वो आपको मिल जाता है, एक टिपिकल जैपनीज वाला एक स्टाइलिंग है, शार्प लाइंस काफ़ी सारे हैं। इसके जो अलॉय व्हील्स है वो एक काफ़ी यूनिक एक यू नो लाइक एन इलेक्ट्रिक कार वैसे डिज़ाइन हुए हैं इसके। ये तो मुझे व्हील कैप लग रहे हैं, या दीज आर अलॉय व्हील्स के ऊपर व्हील कैप, सो दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ये इसके अलॉय व्हील्स हैं और ये इन्होंने यहाँ पे कैप लगाया हुआ है, सो ये जो हिल रहा है, सो दिस इज डिफरेंट। अलॉय व्हील्स के ऊपर कैप, समथिंग नॉट सीन। हाइब्रिड का बैजिंग, जो एसयूवी का जो लुक है, जो फील है, वो यहाँ पे क्लैडिंग मिल जाता है। ड्यूअल टोन कलर है, शार्क फिन एंटेना है, निसान का फैमिली फेस है। इसका यूनिक स्टाइलिंग ऑन द फेस इज द फैन वाला जो लैम्प है, ये इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। ये जो इसके DRL एक्सटेंड होते हैं, ये फैन शेप में दिए हुए हैं, यहाँ पे भी आपको DRL हैं। ग्लॉसी ब्लैक, ये निसान का जो अपना अगर मैग्नाइट देखा होगा तो वो जो उसका फैमिली स्टाइलिंग है। फ्रंट कैमरा ये भी है यहाँ पे। ये जो गाड़ी यहाँ पे शोकेस की हुई है वो एक लेफ्ट हैंड ड्राइव कार है। इसका रेयर प्रोफाइल चेकआउट करते हैं, इसका रेयर प्रोफाइल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे इसका साइड्स और फ्रंट है, अगेन एक टिपिकल जैपनीज, इसका जो पिछला जो इसका जो सेक्शन है, इसका जो प्रोफाइल है, वो बाहर आया हुआ है। इसका जो ग्लास एरिया अगर आप देखें इस एंगल से, तो आपको दिखाई देगा कि ये यू नो एक काफ़ी शार्प एंगल पे प्लेस किया हुआ है, काफ़ी एक सारा लार्ज स्पॉइलर है। टेस्टफुली डन इसके शार्प टेल लैम्प से, अगेन LED टेल लैम्प से। ज्यूक का बैजिंग है, निसान का नया बैजिंग है यहाँ पे। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसमें है, तो वो आपको यहाँ पे इसका बैजिंग मिल जाता है। रेयर प्रोफाइल भी बहुत क्लासी है इसका ज्यूक का। ये है निसान ज्यूक का बूट, ज्यूक बूट, राइम तो नहीं हो रहा लेकिन ट्राई करो राइम करने के लिए। यहाँ पे आपको एक कंपार्टमेंट सा मिल जाता है, दिस इज़ योर बूट फ्लोर। इसके नीचे एक दूसरा फ्लोर है, यू कैन कीप सम पैसे वैसे व्हाटएवर कुछ छुपाना है वो यहाँ पे ट्रे के साथ में। ऑल दीज कार्स आर हाइब्रिड, तो आई थिंक इसका जो बैटरी है वो यहाँ पे होगा, इसीलिए द बूट का फ्लोर इज कम अप, तो उसको यू नो अकोमोडेट करने के लिए दे हैव दिस एक्स्ट्रा पार्सल ट्रे ओवर हियर एज इन ऑल हाइब्रिड। तो ये है ज्यूक का बूट एरिया। आपको ये गाड़ी कैसे लगी, आपको ज्यूक कैसे लगी, आपको एक्सट्रेल कैसे लगी? एक और गाड़ी है जो आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसका इंटीरियर, ज्यूक का इंटीरियर। लेट्स टेक आउट द इंटीरियर। ये लेफ्ट हैंड ड्राइव कार है जो इन्होंने यहाँ पे शोकेस करा है, तो लेट्स गेट इनटू द कार। फर्स्टली जो वेलकम करता है वो है हाइब्रिड का बैजिंग। ऑल द थ्री आर माइल्ड हाइब्रिड्स, माइक्रो हाइब्रिड्स एंड फुल हाइब्रिड्स। तो इनका जो खास टेक्नोलॉजी है कॉल्ड एज ई पावर, दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट जो हम एक्सपीरियंस करेंगे लेटर ऑन। ये लेफ्ट हैंड ड्राइव कार है जो इन्होंने शोकेस किया है, मे बी फ्रॉम द आउटसाइड मार्केट, तो वेरी यूनिक फॉर अस ऑल्सो टू सिट इन अ लेफ्ट हैंड ड्राइव कार। एक काफ़ी फंकी सा डैशबोर्ड है, इसमें आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाता है, यू गेट दिस नाइस मैकेनिकल यू नो स्पीडोमीटर यहाँ पे, दिस इज़ हाउ इट इज़। ये हाइब्रिड कार है, तो ये इसका जो आपका बैटरी है, पावर है, वो आपको यहाँ दिखाई देगा, ये कैसे काम कर रहा है ऑल दैट। एक टिपिकल निसान का फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है, अगेन वेरी ट्रेंडी एंड वेरी वेरी डिफरेंट लुकिंग। ड्यूअल टोन में आपको डैशबोर्ड मिल जाता है ये वाइट कलर में, एंड अगेन टेस्टफुली डन। ये डार्क कलर में यहाँ पे आपको एक क्लैडिंग कैप मिल जाता है, अगेन सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया हुआ है। सेंटर कॉन्सोल में आपको यहाँ पे अगेन BMW के स्टाइल वाला, आपको यहाँ पे तीन AC के वेंट्स मिल जाते हैं, BMW, Mercedes, प्रीमियम कार कोई भी कह लीजिए, तो दिस इज़ हाउ इट इज़। सनरूफ नहीं है, बोस प्लस के यहाँ पे मुझे एक बैजिंग दिख रहा है, तो आई थिंक सीट्स में यहाँ पे इन्होंने स्पीकर्स इन्फ्यूज़ किए हैं। काफ़ी फंकी कार है, जैसे आप देख रहे हैं सीट भी इसका जो है यहाँ पे लेदर है, यहाँ पे फैब्रिक है, यहाँ पे आपको एक स्पोर्टी वाला एक लुक मिल रहा है। यहाँ पे शिफ्टर की बात करें, स्टार्ट स्टॉप बटन की बात करें, AC का जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो आप देख लो, इसका एवरीथिंग इज़ डन वेरी डिफरेंटली एंड वेरी फंकीली। ये है इसका काफ़ी डीप वाला एक अकोमोडेटिंग ग्लव बॉक्स, दैट्स हाउ इट इज़, ये सॉफ्टली खुलेगा, दैट्स हाउ आपको मैं दिखाना चाहता था। इसको आप खोलो और छोड़ दो,
comes down and waits and then comes down. तो अगेन अटेंशन टू डिटेल है इस कार में, दैट इज नोन. तो एक बार मैं भी यार मतलब बैठ कर देख लूँ कैसा लगता है लेफ्ट हैंड ड्राइव में, यू नो सिटिंग एंड फील. मैनुअल सीट्स है यहाँ पे, सीट हाइट इज देयर ऑब्वियसली. दिस इज द ग्लोबल मॉडल, द लेफ्ट हैंड ड्राइव मॉडल, दैट इज द ऑफ द निसान जूक. इसका रेयर सीट्स चेकआउट करते हैं एंड निसान इज़ वेरी टाइट लिप्ट कि ये गाड़ी कब आएगी. दिस वन एक्सट्रेल तो रेडी है, दे आर मतलब हार्ड टेस्टिंग इट एज वी स्पीक. तो ये आपको यहाँ पे पिलर में जो फिट किया हुआ है इसका पीछे का डोर हैंडल, यहाँ पे नहीं है हैंडल द कन्वेंशन लिथ हुआ ईयर. तो ये आपको लिफ्ट करना है एंड ओपन करना है. आपने देखा हुआ इन सम अदर कार्स ऑल्सो लाइक द न्यू स्विफ्ट. तो यहाँ से जो ये जो सीट का होल है इससे मुझे आगे दिख रहा है. सो अगेन इट गिव्स मी अ डिफरेंट विजन. यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश है ऑन द हेडरेस्ट. बोस का जो स्पीकर है यहाँ पे, यू नो इट फील्स कि ये जो आपके सीट के हेडरेस्ट है उनको आपने स्पीकर यू नो पहनाया हुआ है. लुक्स वेरी नाइस एंड डिफरेंट. पीछे एसी वेंट तो नहीं है लेकिन यहाँ पे आपको मोबाइल का चार्ज मिल जाता है. अगेन यू गेट दिस नाइस यू नो पावरफुल स्पीकर दिख रहे हैं, ये काफ़ी बड़े स्पीकर रहे हैं. ग्लास एरिया थोड़ा कम है लेकिन बट द कार इज यू नो लाइक दैट वेरी फंकी एंड डिफरेंट. पीछे में सेंटर आर्मरेस्ट तो नहीं है लेकिन तीन हेडरेस्ट हैं एंड आपको मतलब यू नो आई नीड टू टेल यू कि दीज कार्स आर ऑल यू नो ग्लोबल एनकैप के जो इनके क्रैश टेस्ट रेटिंग जो आजकल काफ़ी सारा हॉट है, काफ़ी सारा ट्रेंडिंग है इन इंडिया. तो दीज आर ऑल 5-star रेटेड कार्स. तो मैं डोर बंद कर रहा हूँ. इट गिव्स अ वेरी नाइस वेरी सॉफ्ट डिफरेंट यू नो फील टू द एक्शन. आपको बता दो कि दीज आर ऑल फुली इम्पोर्टेड यूनिट्स एंड ये लेफ्ट हैंड ड्राइव जूक है. तो दिस इज़ द सेकेंड कार अपार्ट फ्रॉम द एक्सट्रेल. अभी आपको एक और कार बताना बाकी है, वो है कशकाई.